नमस्कार दोस्तों, नीरज एक बाज में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो भी बहुत ही यूनिक रहेगी आपके लिए। और आज जो एप्लीकेशन मैं बताऊंगा वो वीडियो एडिटिंग को लेकर है। वीडियो एडिटिंग की ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, लेकिन आप यदि आराम से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप नहीं चला पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात की मैं एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड न करें इस एप्लीकेशन को। मैं उसका रीज़न बताऊंगा आपको, क्योंकि आप यदि मेरे लिंक के माध्यम से इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको एक फीचर ज़्यादा मिलेगा। जो फीचर ज़्यादा मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फीचर आपको ज़्यादा मिलेगा। पहले मैं वर्क बता देता हूँ आपको इस एप्लीकेशन के अंदर वर्क क्या है, तो मैं इसको डाउनलोड करके बताता हूँ एक बार। ये है काइनमास्टर। रुको दोस्तों, यदि आप पीछे जा रहे हैं, काट कर आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक फीचर आपको कम मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, आप देखते रहें। तो हम इसको यदि इसको जो प्लस का निशान है एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं। एक बार मैं एमपीटी प्रोजेक्ट ले लेता हूं, मतलब खाली जो प्रोजेक्ट है वो ले लेता हूं, ये प्रोजेक्ट है। तो यदि हमको इसमें वीडियो लगानी है तो दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले आप मीडिया ब्राउजर पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी में जितनी भी वीडियो है वो नजर आ जाएगी। आप देखें दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये मैं वीडियो ले लेता हूं, पहली ही वीडियो मैंने इस पर क्लिक कर दिया डबल और ये यहां पर आ गई, और ऊपर से राइट का निशान लगा दिया। तो देखो दोस्तों, ये आ गई है, एक बार देख कर देखें आप। देखो दोस्तों, ये वीडियो यहां पर आ गई है। यदि आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो एक बार इसी नीचे जो ये लाइन है जहां पर ये शो हो रही है वीडियो, इस पर क्लिक कर दें एक बार, और ऊपर जो ये बीच का जो निशान है इस पर क्लिक कर दें। ये बीच का निशान क्लिक करने के बाद यदि आप बराबर का निशान करते हैं क्लिक, जो बराबर में है इसके साथ में है, जो इस पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे छोटा या बड़ा। एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि इसके पीछे भी तो कोई बैकग्राउंड होना चाहिए हमारा, तो यदि आप ऐसा चाहते हैं बड़ा भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, तो आपको करना क्या होगा, एक बार पीछे चले जाते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, एक बार फिर मीडिया ब्राउजर पर क्लिक करते हैं, कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं, मतलब कोई भी बैकग्राउंड आप चाहते हैं, कोई भी अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं, या ये इस एप्लीकेशन के अंदर है जो बैकग्राउंड, ये भी ले सकते हैं। यदि आपकी एप्लीकेशन के पीछे है कोई भी बैकग्राउंड यदि चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, मेरा चैनल का जो आइकॉन है मैं इसको ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड पीछे रहे, पीछे चलता रहे। एक तो आपने ये डायरेक्ट डाल दिया है और ऊपर से राइट क्लिक कर दिया है, और अब इसको चलाकर देखेंगे तो ये ऐसे चलेगा। देखो दोस्तों, ये ऐसे चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये एक जगह पर ही रहे, ऐसे चले न आगे पीछे, तो आप एक काम करें, इस पर क्लिक करें, फिर वो बीच का निशान लगाएं और बराबर का निशान क्लिक करें, उसको एक जगह सेट कर दें। अब ये एक ही जगह पर रहेगा, जितनी भी वीडियो चलेगी कहीं पर आगे पीछे नहीं होगा। देखो दोस्तों, ये है, फॉर एग्जांपल हमने ये ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, हमने ये बैकग्राउंड भी लगा दिया है। अगर अब हम चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो डले हमारी, एक तो डायरेक्ट वीडियो डलनी थी, एक इसके ऊपर लगे वीडियो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अब लेयर, जो लेयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। मैंने लेयर पर क्लिक कर दिया और वही वीडियो मैं डालता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब ये इसकी ऊपर वीडियो आ गई। यदि आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड पीछे लगा सकते हैं, और ऐसे आप इसको लेयर, मतलब ये इतनी वीडियो चलेगी इसके ऊपर, बैकग्राउंड आप चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको यदि आप छोटा करके चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटा का ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट भी छोटा इसको सिलेक्ट करके छोटा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मतलब लेयर का मतलब ये है कि इसके ऊपर लेयरिंग करनी है, तो आप इसके ऊपर जो भी वीडियो डालोगे तो लेयर करके डालोगे आप बैकग्राउंड के पीछे। फिर मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा ले लेता हूँ, डायरेक्ट ले लेता हूँ वीडियो, लेयर करके नहीं लेता हूँ, इसको डायरेक्ट ले लिया है यहाँ से इस वीडियो को। देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की आवाज बंद हो जाए तो आप एक बार इस लाइन को क्लिक कर दें, और आप लास्ट में जो कॉर्नर पर ये है एक जो सिंबल होता है आवाज का, उस पर क्लिक कर दें, और यहाँ से जो 100% है इसको नीचे कर दें। तो यदि आप ऊपर से राइट क्लिक करोगे तो आपको ये आवाज बंद हो जाएगी। देखो दोस्तों, अब आवाज वापस करना चाहते हैं दोबारा क्लिक कर दें, और यहाँ से आप जितनी चाहे उतनी तेज आवाज कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप इसके साथ एक म्यूजिक और ऐड करना चाहते हैं, इसके साथ म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं और, तो आप क्या करें, ऑडियो पर जाएं और आपकी जो फोन में जो इतना भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपके पास आ जाएगा, MP3 जो भी है। तो मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन सा म्यूजिक ठीक है पीछे, कोई अच्छा सा म्यूजिक देख लेता हूँ दोस्तों। चलो मैं सॉन्ग ही लगा देता हूँ म्यूजिक की जगह। आपको और ये ऊपर से राइट क्लिक कर देना है, तो आप देखो दोस्तों, पीछे म्यूजिक लग गया है, आपकी ऑडियो की आवाज ज्यादा है तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, अब आप म्यूजिक अच्छे से सुन पाएंगे। देखो दोस्तों, देखो
देखो दोस्तों ये म्यूजिक पीछे लग गया है, यदि आप इस म्यूजिक को हटाना चाहते हैं तो एक बार नीचे क्लिक कर दें और ऊपर से यहाँ से लेफ्ट साइड ये आइकॉन है इस पर आप क्लिक कर दें, ये डिलीट हो जाएगा, अब आपका ये आ गया। एक बात और, यदि आपने म्यूजिक लगा दिया जैसे कि मैंने लगाया था नीचे और आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है इसकी आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए तो एक बार इस पर क्लिक कर दें और जो कंप्रेसर है इस पर आप क्लिक कर दें तो इसकी आवाज़ एक निकल कर आ जाएगी, थोड़ी तेज निकल कर आ जाएगी। अब एक बात और दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि आप यदि लिंक के माध्यम से डाउनलोड करेंगे तो कौन सा फीचर एक एक्स्ट्रा आएगा आपके पास, तो वो ये आएगा जो ऊपर मीडिया लिखा हुआ है लेयर के अंदर। यहाँ पर आप इस मीडिया का पहले मैं वर्क बताता हूँ क्या है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो भी लगा सकते हैं और दूसरी फोटो भी लगा सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के माध्यम से लिंक आप डाउनलोड करेंगे तो आप वीडियो डाल पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ फोटो डाल पाएंगे अपनी फोटो के ऊपर, अपनी वीडियो के ऊपर। मैं आपको डाउनलोड कर ही लगा कर दिखाता हूँ, कोई भी मैं वीडियो ले लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा वीडियो ले लेता हूँ, मैं यहाँ से देखता हूँ कोई नहीं। देखो दोस्तों मैं ये लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा यदि आप लिंक के माध्यम से डाउनलोड करेंगे। मुझको यदि ये लगाना है, ये शेर इस वीडियो पे लगाना है और ये बैकग्राउंड से अलग लगाना है, तो ये वाइट बैकग्राउंड है तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो आपके नीचे देखो ये ऑप्शन निकल जाएगा। जब आप लिंक के माध्यम से डाउनलोड करेंगे तो आपके एप्लीकेशन के अंदर ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा कॉर्न की का, आप इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर से इसको एनेबल करेंगे तो मतलब जो व्हाइट बैकग्राउंड पीछे है तो आप यहाँ पर की कलर पर व्हाइट क्लिक कर दीजिए और ऊपर से ये राइट क्लिक कर दीजिए, अब ये शेर आपका निकल कर आ जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। देखो दोस्तों यदि हम इसको आगे पीछे करते हैं तो बैकग्राउंड तो चला गया लेकिन आपका शेर निकल कर आ गया है। देखो दोस्तों हम यहाँ से इसको सेट कर लेंगे, वह चलाकर देख लेते हैं। और यदि आप इसको नीचा करना चाहते हो तो आप साइड में कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक और ऐसे ऊपर से राइट क्लिक और इसको चला देते हैं। अब देखो दोस्तों बीच में इसमें निशान आ रहा है तो हम इसको करने के लिए इसको आगे की जो वीडियो है उसको काट देते हैं से, कि वो कैसे काटेंगे। देखो दोस्तों बीच में ये रेड लाइन है मतलब इतनी ये चल चुकी है वीडियो, हम नीचे एक बार क्लिक कर देते हैं शेर वाली वीडियो पर और ऊपर से ये जो कैची का निशान है तो हम इस पर क्लिक करते हैं एक सीजर पर, ये तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट तो हम इस पर क्लिक करते हैं, मतलब इसके पीछे जो व्हाइट जो ऑप्शन है इतने पीछे का ये कट जाएगा, यदि आगे का चाहोगे तो आगे का कट जाएगा, मैं बताता हूँ। यदि हम पहले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखो दोस्तों ये पीछे का कट हो गया, अब मैं वापस कर देता हूँ। यदि आप पीछे का कट करना चाहते हैं इस पतली सी लाइन के पीछे का तो आप इसके नीचे का ऑप्शन कर दें क्लिक, फिर वापस जाकर देखते हैं। यदि आप बीच में से कट करना चाहते हैं तो आप ये बीच में से कट कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये देखो हम वापस चले जाते हैं एक बार, देखो दोस्तों ऐसे, अब देखो दोस्तों अब ये देखो तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमारा ये निशान आ रहा है तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, आगे से कट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही शेर नजर आए, देखो दोस्तों अब स्टार्टिंग में शेर नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर आकर आपको नजर आएगा ये शेर इस वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों तो आपको करना क्या है, सिंपल जो नीचे शेर की वीडियो है इस पर अपनी उंगली को रखे रखना है और उसको ऐसे रखे रखे आपको आगे की तरफ ले जाना है। देखो दोस्तों ये आगे अब स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी, एक बार ध्यान से देख लें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये आ चुका है, अब आप चाहते हैं कि इस शेर की एंट्री थोड़ी सी अलग तरीके से आपकी स्क्रीन पर आए तो आप इस पर कुछ एनिमेशन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो इन एनिमेशन ये देखो इस पर हम यदि क्लिक करते हैं तो देखो दोस्तों ये इसमें स्टाइल है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे आप चाहते हैं या ऐसे चाहते हैं आपका शेर आए इस वीडियो पर, ऐसे चाहते हैं कैसे भी आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि थोड़े आराम से आए तो नीचे ये ऑप्शन है, देखो दोस्तों उतने ही टाइम ड्यूरेशन में आपका शेर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, 8 पॉइंट कर दिया मैंने और मैंने इसको चूज कौन सा किया है मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने अच्छा देखो दोस्तों मैंने ये चूज किया, अब मैं इस वीडियो को चलाता हूँ। देखो दोस्तों ये बड़ा आकर्षक होता होगा, देखो दोस्तों ये मैंने ये स्टाइल इसमें लगाया है और ये मिर्चा भाई चाहते हैं कि ये शेर जब बंद हो ये वीडियो, देखो दोस्तों ये वीडियो जब बंद हो मैं यहाँ तक इसको कट कर देता हूँ, इसके आगे की हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से गया और पीछे का कट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये शेर जब जाए तो कैसे जाए तो मैं अपनी स्टाइल से कर देता हूँ। तो आपको देखो दोस्तों आउट एनिमेशन मतलब ये जब एनिमेशन आपने जो लगाया है ये खत्म हो तो कैसे हो, तो आउट एनिमेशन पर हमने कर दिया और इसमें भी स्टाइल काफ़ी स्टाइल है। देखिए दोस्तों एनिमेशन देखिए आप, चलो मैं ये स्पिन कर देता हूँ इसको और इसकी थोड़ा सा ड्यूरेशन थोड़ा लंबा कर देता हूँ ताकि आराम से घूमेंगे। देखो दोस्तों अब आप चलाओगे तो आपकी शेर थोड़ा सा बड़ा होगा और छोटा होता जाएगा। मैं ये एक बार इसकी ऑडियो बंद कर देता हूँ, देखो दोस्तों अब आप मेरी आवाज़ आसानी से सुन पाएंगे। देखो दोस्तों ये शेर आ चुका है इसमें और जब ये जाएगा तब आप देखिए इसका स्टाइल
एनिमेशन देखिए आप, अब देखिए। और अब इसी के अंदर यदि और एनिमेशन चाहते हैं तो आप ये बीच में जो और ओवरऑल एनिमेशन बोला है इस पर क्लिक करें। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो शेर है ऐसे ऑन ऑफ हो, उसकी जो पिक है ऐसे आप चाहते हैं या ऐसे जो भी आप चाहते हैं, ये आपकी जब तक ये शेर रहेगा तब तक वो स्टाइल आती रहेगी। देखो मैं दिखाता हूँ आप, जैसे कि ये स्टाइल है, देखो दोस्तों आप चाहते हैं कि ये स्टाइल आए हमारे इस एनिमेशन में पूरी वीडियो के अंदर, वैसे एनिमेशन ये आ जाएगी। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऐसे चशबूज बोलते हैं इसको, चशबूज बोल ऐसे करेगा शेर। ये फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यदि आप मेरे लिंक के माध्यम से करेंगे। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ चशबूज को, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा, तो मैं इसको एक बार नन कर देता हूँ ऐसे। अब देखो दोस्तों, अब आप चाहते हैं कि इसमें म्यूजिक हो तो म्यूजिक मैंने आपको बताया था, आप पीछे क्लिक करें और कोई भी आप अपनी म्यूजिक चूज कर ले, कोई भी म्यूजिक। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ, कुछ देख लीजिए, मैंने म्यूजिक लगा दिया है यहाँ से, और मैंने वीडियो की आवाज़ बंद कर दी है इस वीडियो की। अब आप क्या चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो के ऊपर कुछ लिख भी पाऊँ तो आप कैसे लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लेयर पर क्लिक करें और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें और कुछ भी लिख दें। जैसे कि मैं लिख देता हूँ नीरज एक आवाज़, नीरज एक आवाज़, ये मेरे चैनल का नाम भी है दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास एप्लीकेशन ला सकूं। देखो दोस्तों, ये मेरे चैनल का नाम भी है नीरज एक आवाज़। यदि आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए इस फोन का, आप यहाँ पर क्लिक करें, अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले लें। तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया है, तो आप देखो दोस्तों इसमें नजर नहीं आ रहा नीरज एक आवाज़ लिखा हुआ। तो हम इसको शेड डाल देते हैं, इसकी परछाई डालते हैं, शेडो वो अलग कलर की डाल देते हैं, कोई भी अलग कलर, मैं येलो ले लेता हूँ। देखो दोस्तों हम थोड़ा सा नजर आ रहा है, अब हमें लगता है कि अभी भी हमारा ये नजर नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड पर जाना है, क्लिक करना है और अपनी मर्जी का बैकग्राउंड ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट ले लेता हूँ, और नीचे जो ये 53 लिखा हुआ परसेंट, ये आपकी परसेंटेज है आप कितना डार्क चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 53 ही चाहिए, मैं ऊपर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड ऑन करता हूँ। तो देखो दोस्तों ये पूरा व्हाइट नहीं है, अधूरा व्हाइट है, देखो दोस्तों नजर आने लगा है आपका। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा पूरा नजर आए तो आप व्हाइट पर आपका क्लिक है और आप आगे इसको परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। ये देखो दोस्तों डार्क व्हाइट आ गया आपका, उभर कर आ गया है चैनल का नाम। और आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो में ये नीरज एक आवाज़ लिखा आ जाए, तो आपको करना क्या है, आप बस नीचे क्लिक करना है नीरज एक आवाज़, और इसको आप पूरा ऐसे अपनी वीडियो में जहाँ तक चाहे वहाँ तक ले जा सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी फोटो इस ऊपर लगा सकते हैं, अपनी इस वीडियो के ऊपर मैं लगाकर दिखाता हूँ। देखो कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, हम लेयर पर क्लिक करते हैं और ऊपर मीडिया पर क्लिक करते हैं और हम कोई भी फोटो अपनी लगा सकते हैं। मैं लगाकर दिखाता हूँ आपको पिक आर्ट, देखो दोस्तों मैं कोई अपनी, कोई भी अपनी एक फोटो लगा देता हूँ, मेरे चैनल का जो नाम है वही लगा देता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, वही सिंपल। नीचे से यदि आप चाहते हैं कि ये मेरी पूरी वीडियो पर आए तो नीचे से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और ऐसे आप इसको चला सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ये जो पिक है ये छोटी हो तो छोटी भी हो जाएगी, यदि आप चाहते हैं इसका ये जो चोरस है तो आप ये वर्गाकार में जो कहते हैं वर्गाकार में है, तो आप इसको कैसे इसको गोल करें या और शेप देना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। आप क्रॉप पर जब क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये एक सर्कल में आए तो ऊपर एक बार मास्क पर क्लिक कर दीजिए और शेप पर आप क्लिक कर दीजिए, जो भी शेप चाहिए वो आपको मिल जाएगी। देखो ये चेंज हो गया है, ये सर्कल में आ गया है ऐसे, देखो दोस्तों। अब एक बात और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो आवाज इसमें खुद की आवाज भी रिकॉर्डिंग हो तो कैसे कर सकते हैं, आप वॉइस पर रिकॉर्ड क्लिक करें और यहां पर आप बोलते रहें, अलाउ कर दिया हमने, तो आप जो भी बोलोगे स्टार्ट करके वो आपकी इस वीडियो में ऐड हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं एक बार दिखाता हूं आपको, मैंने स्टार्ट कर दिया, नमस्कार दोस्तों। अब दोस्तों दो मिनट, हम अब एट प्रेजेंट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, तो दो रिकॉर्डिंग एक साथ नहीं हो सकती। तो और ऑप्शन मैं दिखा देता हूं एक बार, इसमें हम अब आते हैं हैंडराइटिंग पर। हैंडराइटिंग पर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है इस तरफ, ये फीचर आ जाते हैं। पेंसिल पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट लाइन भी लगा सकते हैं और ये आप लिख भी सकते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद नीचे के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस पर आप चाहते हैं कि कितनी मोटी आपकी राइटिंग हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, मैंने ये इतनी मोटी राइटिंग ले ली है। यदि आप हाथ से लिखना चाहते हैं तो देखो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी कलर भी दूसरा चेंज कर सकते हैं आप, मैंने जैसे आप रेड ले लिया, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं बैक चला जाता हूँ एक बार, फिर आप पेंसिल पर क्लिक करें, आप लाइन चाहते हैं तो लाइन पर क्लिक करें और कलर चाहते हैं तो कलर पर, उसको ऐसे आप ज़्यादा मोटा आपको लग रहा है तो आप बारीक भी कर सकते हैं यहाँ से, देखो दोस्तों फर्क आपको नजर आ जाएगा ऐसे।
और मैं इसको नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहीं से, और यहाँ पर क्लिक किया और मैंने डिलीट कर दिया। अब देखा दोस्तों ये भी हो चुका है। बीच में मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस देखो दोस्तों अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेयर पर, इस पर करता हूँ ओवरले पर क्लिक करता हूँ तो एनिमेशन आ जाती है। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग अलग, और भी यदि आप चाहते हैं तो गेट मोर पर क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे स्टिकर एनिमेशन टेस्ट टाइटल के, आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो दोस्तों मैं दिखाया भी दिया आपको, देखो दोस्तों ये आ चुके हैं। जो प्रीमियम है वो उस पर आपके रुपये लगते हैं। ओके नेटवर्क प्रॉब्लम, यहाँ से बैठ जाता हूँ एक बार। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आप स्टाइल को, कोई भी स्टाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। अब मैं ये स्टाइल डालना चाहता हूँ इस वीडियो पर, तो मैं इस पर फायर का ये सिंबल पर क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ। देखो दोस्तों यदि मैं चलाऊंगा इस वीडियो को, इसको यदि आप लंबा करना चाहते हैं तो लंबा भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों आप इसको यदि साइड में करना चाहते हैं तो इसको साइड में भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर हाथ लगाकर, और आप ऐसे अपनी वीडियो को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद ये इफेक्ट आ जाता है, एक और आपको दिखा देता हूँ। लेयर पर क्लिक करते हैं इफेक्ट, इससे आप अपने इसके ब्लर करना चाहते हो मतलब इसको धुंधला करना चाहते हो तो धुंधला भी कर सकते हैं। और भी इफेक्ट है, इस पर गेट मोड पर क्लिक करते हैं तो आप आप डाउनलोड कर सकते हैं कई तरह के फीचर आप इसके अंदर। ये आपका काइन मास्टर था। देखो दोस्तों हाँ, अब आप यदि इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जब मैंने ये टिक किया है तो ये आपको नजर आएगा कि कैसी आपकी वीडियो बनी है, आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है, ये आपको नजर आ जाएगा। कौन सा वर्क आपको लंबा करना है, जैसे ये मैं हैंडराइटिंग को लंबा करता हूँ, इस पर आप क्लिक करें एक बार, इसको यहाँ से लंबा कर सकते हैं। और अब देखो दोस्तों मैं कुछ और भी दिखाता हूँ आपको, जो ये इससे ऊपर ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ, जहाँ पर निशान जो लगा रहा हूँ, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने कैसी वीडियो बनाई है ये आपको नजर आ जाएगी। तो आप एडिटिंग और दोनों काम साथ में कर सकते हैं, और उसको साइड में भी कर सकते हैं। देखो उठाकर ऐसे, अरे आपने ऐसा वर्क किया इस पर, तो वापस नीचे आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों आपको लग रहा है कि म्यूजिक बंद होना चाहिए थोड़ा सा, और मेरी इस वीडियो की आवाज़ आनी चाहिए, तो मैंने इस पर म्यूजिक पर क्लिक किया और मैं ये स्लो कर दिया, और मैंने ऑडियो की आवाज़ करनी है तो मैं ऑडियो पर क्लिक किया और ऑडियो की आवाज़ कर दी। देखो दोस्तों यहाँ से अब आपकी ऑडियो की आवाज़, देखो म्यूजिक थोड़ा सा तेज कर देते हैं, म्यूजिक भी साथ में आएगा। अभी भी म्यूजिक थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। और दोनों म्यूजिक आ चुके हैं दोस्तों, हमने इस पूरे ऑप्शन कर लिए हैं, हमने इस पर ये शेर लगाकर भी देख लिया है कैसे शेर लगता है। और क्रॉप, हाँ दोस्तों क्रॉप भी हो चुका है। अब यदि ये आप और भी मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन, और भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऑडियो फिल्टर में आपका क्या होता है, वॉइस फिल्टर में सॉरी, जो वॉल्यूम इक्वल लोप है इस पर क्लिक करते हैं तो आप नज़र आपको आ जाएगा कि क्या रहता है। पहले हम क्रॉप का मतलब इसको काटना होता है। आप अपने जो ऑप्शन है देखो, जैसे ये शेर है, वैसे ये नज़र नहीं आ रहा बैकग्राउंड, फिर भी हम क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं भाई, हमारा वर्क इतना ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक किया और आपस में सिर्फ इतना ही वर्क है। अब हम इसको सेट भी कर देते हैं, चले भी आते हैं। उसके बाद कलर एडजस्ट, आप कलर कैसा करना चाहते हैं, मैं एक बार वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और कलर एडजस्ट पर आप करते हैं तो आप कलर, देखो दोस्तों कलर कोई भी कलर कर सकते हैं चेंज, ये कलर चेंज का ऑप्शन है, मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ आपको। और आगे तो सिंपल ही एडिटिंग है दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ एक चीज़ रह गई थी सॉरी, यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करना चाहते हैं कि ये थोड़ी सी तेज़ चले आपकी, ये तेज़ चले थोड़ी सी, तो आप करना क्या है, आपको अपनी वीडियो पर क्लिक करना है और स्पीड, यहाँ पर आपके एक ऑप्शन और आ जाता है स्पीड का, ये स्पीड कंट्रोल, तो यहाँ जब आप ऊपर करेंगे तो ये आपकी वीडियो बहुत तेज़ चलेगी। देखो दोस्तों आपकी वीडियो तेज़ हो गई है, हम वापस आते हैं तो यहाँ पर फिर क्लिक करते हैं, फिर स्पीड कंट्रोल को क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद फिर यदि इस पर क्लिक करते हैं फिर हम और ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्लिप ग्राफिक देख सकते हैं, या आप यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो टाइटल, देखो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऐसे आपके लेयरिंग आए, देखो जब आप इसको क्लिक करते हैं और क्लिप ग्राफिक पर करते हैं, ये स्टाइल है, अलग स्टाइल है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो ऐसे स्टार नीचे गिरते नजर आएंगे। देखो दोस्तों ये स्टार,
फिर इस पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर देखते हैं तो देखो दोस्तों अलग अलग स्टाइल है, टाइटल की स्टाइल है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस इस एप्लीकेशन में इतना ही है और बहुत ही ज़्यादा है ये, और भी चीज़ है देखो काफ़ी, मैं आपको फिर भी बता ही देता हूँ। और भी फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोई भी चीज़ आपने क्लिक कर दी नीचे से कोई भी, और यहाँ पर जो तीन डॉट है इस पर क्लिक करते हैं तो डुप्लीकेट पर जब हम क्लिक करते हैं जो आपने डाला है उसका डुप्लीकेट आपका हो जाएगा यहाँ पर ही। अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस एप्लीकेशन की अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और बीच का जो ऑप्शन हम क्लिक करते हैं देखो दोस्तों वॉइस चेंजर, तो वॉइस चेंजर पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, इस वीडियो की आवाज़ चेंज हो जाएगी सॉरी। और उसके बाद भी है कोई तो हम उस पर भी क्लिक कर देते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया वॉइस चेंजर भी हो गया। देखो दोस्तों लगभग सभी ही ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा दोस्तों हाँ, एक लास्ट में आप यदि इस वीडियो को क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और आपने YouTube पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जब सेव वीडियो गैलरी करते हैं या आप डायरेक्ट YouTube पर भी डाल सकते हैं, ऐसे जब आप कौन सी भी क्वालिटी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लो क्वालिटी बना सकते हैं, हाई क्वालिटी बना सकते हैं, मैंने लो क्वालिटी कर दिया है ताकि थोड़ी सी जल्दी बन जाए। तो देखो दोस्तों ये ऐसे बननी शुरू हो जाती है और ये बनने के बाद आपसे पूछता है कि आपको YouTube पर चाहिए ये वीडियो, तो यदि आप यस करते हैं तो आपके YouTube पर डायरेक्ट ये वीडियो डल जाती है। अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।